ऑल राइट लीडर्स, गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब एक्साइटेड हैं। मैं देख पा रहा हूँ आप सबके मैसेजेस चैट बॉक्स के अंदर, गुड मोदी के मॉर्निंग, गुड मोदी के मॉर्निंग, गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन। एवरीबडी इज एक्साइटेड, ग्रेट। सो चलिए फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के हमारे इस शाम के 5 बजे के जूम सेशन में। और सबसे पहले तो मेरी पूरी उम्मीद है, मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सब बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही स्वस्थ हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस लॉकडाउन को आप लोग गुजार रहे हैं। बहुत सारी नई चीजें सीख रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो अपने आप को डेली इम्प्रूव करना ही हमारा मकसद है। क्योंकि इस दुनिया में, इस जगह पे हमारा कॉम्पिटिशन किसी और से नहीं, खुद से है कि हम डेली जो पिछले दिन हम थे उससे बेहतर हम अगले दिन कैसे बन पाए। बहुत सारे मौके हैं आपके पास अपने आप को बेहतर बनाने के। सबसे पहला जो मौका है वो तो यही 5 बजे की मीटिंग है, क्योंकि यहाँ हमें एसोसिएशन मिलती है उन लोगों की जो चैंपियंस हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, और उनकी एसोसिएशन में हम रहेंगे तो डेफिनेटली हम जो आज हैं उससे कुछ तो बेहतर बनेंगे। और अगर हम रोजाना उस एसोसिएशन में रहेंगे तो हम अपने आप को रोजाना इंप्रूव करते जाएंगे, बेहतर बनते जाएंगे। और ये हमारी खुशकिस्मती है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी एसोसिएशन में रहने का मौका मिलता है। ये जो जूम मीटिंग्स हैं, ये जो जूम सेशंस हैं, ये जो यूट्यूब लाइव सेशंस हो रहे हैं, हम ग्रेट ग्रेट सफल लोगों को सुन रहे हैं। आज सुबह हमने हमारे महागुरु तरुण बजाज जी को सुना, व्हाट अ पावर पैक सेशन। कितना कुछ हम सीख सकते हैं तरुण सर की स्टोरी से, और जो भी सर ने आज टिप्स हमको दिए उससे वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ। और मैं तो जब भी सुनता हूँ बहुत सारी चीजें हम नई नई सीखते हैं। और अब 5 बजे शाम को हम दोबारा हाजिर हैं एक और जबरदस्त पावर पैक सेशन के साथ। सो क्या आप एक्साइटेड हैं पहले तो, क्योंकि यहाँ पर केवल जूम पे 100 लोग ही हैं, तो अगर 100 लोग भी अपनी एक्साइटमेंट दिखाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी तो सब यूट्यूब पे है, आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे जितने लोग इस वेबिनार को देख रहे हैं। सो यस, एक्साइटेड, यस 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 वी ऑल आर एक्साइटेड, क्योंकि आज का स्पेशल कुछ खास है। आज का स्पेशल एक बहुत जबरदस्त शख्सियत का है, जो कि हमारी बहुत रिक्वेस्ट पर अपना टाइम निकाल के आए हैं। कुछ दिनों से उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बट स्टिल उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आज संडे को सेशन लूंगा। सो वी ऑल आर वेरी लकी। सो मैं चाहता हूं कि जब तक हम इस माहौल को थोड़ा सा और एक्साइटेड बनाएं, और उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम एक बार हमारा मुदिगर एंथम प्लेइंग करें, ताकि हम सब में जोश आए। क्योंकि जब हम मुदिगर एंथम को सुनते हैं तो एक पूरे बदन में एक नई एनर्जी आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और एक कुछ कर गुजरने का जज्बा, कुछ कर गुजरने की इच्छा मन में जरूर जागती है। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड होता हूँ हमारे एंथम से, आई होप आप सब भी होते होंगे। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले द मुदिगर एंथम। ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के। बिन सीमाए, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं, हम साए कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। संगम
बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। ऑलराइट फ्रेंड्स, वी ऑल आर मोदी केयर एंड आई होप आप सब अब और भी सुपर चार्ज हो गए होंगे और भी एक्साइटेड हो गए होंगे बिकॉज दिस इज अवर मोदी केयर एंथम। सो मैं फिर से एक बार आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने एक्साइटेड हैं आप आज के इस इवेंट को लेकर, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ फ्रेंड्स, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, और बहुत सारी नई नई चीजें मैं सीख रहा हूँ, सफल लोगों को सुन रहा हूँ, अच्छी बुक्स पढ़ रहा हूँ और अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं अब बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज हमारे जो स्पीकर हैं, हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं, वो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे साथ हैं और हम टाइम पे सेशन को स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपके जितने भी गेस्ट ने, जितने भी लीडर्स ने, टीममेट्स ने ज्वाइन नहीं किया है, उनको फटाफट कहिए, उनको यूट्यूब लिंक सेंड कीजिए जिससे कि वो यूट्यूब पर आकर तुरंत इस सेशन को, इस लाइव चेंजिंग सेशन को देख सकें, क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूँ यूट्यूब पर तकरीबन 240 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सो अभी तक जो नहीं आया उनको फटाफट लिंक फॉरवर्ड कीजिए, कॉल कीजिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी इसको यूट्यूब पर ज्वाइन करें। सो फ्रेंड्स, अब मैं चाहूंगा कि आप सब मेरा साथ दें उनको बुलाने में यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, इंक्लूडिंग माइन, मेरी जिंदगी को उन्होंने चेंज किया है, बिकॉज अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आते तो मैं आज भी एक सरकारी नौकरी ही कर रहा होता, एक 50,000 रुपए की नौकरी कर रहा होता, और जो कुछ भी जिंदगी में आज मैंने अचीव किया है वो कुछ भी नहीं होता। मेरी जिंदगी में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ही इज अ लाइफ चेंजिंग पर्सनैलिटी, किंग मेकर, और मैं क्या कहूँगा उनके बारे में, बिकॉज मैं जितना भी कहूंगा उनके बारे में वो कमी होगा, क्योंकि वो उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं, और मैंने तो उनसे हमेशा बहुत कुछ सीखा है और मैं आज भी उनसे बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल लीडर्स, हेल्प मी इन्वाइट, मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें यहाँ पे, एक्साइटमेंट से। आप अपने यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, जूम पर कमेंट कर सकते हैं, और एक्साइटमेंट से, जोश से हम आपको बुलाएंगे। Please welcome great mentor, great global black diamond actor, Kapil Verma sir on the stage. Please welcome sir. Thank you very much, Alok. Thank you very much. Thank you for so warm welcome. और बहुत ही अच्छा लगा आपने आपने जितनी बातें बोली है मुझे नहीं पता वाकई में हम उसके काबिल हैं, लेकिन थैंक यू, आपने इतने प्यार से और इतने सम्मान के साथ यहाँ पे इन्वाइट किया है। आप उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच आलोक, थैंक यू। चलिए, गुड मोदी का मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू लीडर्स, और मुझे पता है कि आप सभी आज बहुत एक्साइटेड हैं और एक्साइटेड होना भी चाहिए, क्योंकि हम सब बहुत ही जबरदस्त बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और अभी मोदी के पूरे भारत में रॉकिंग कर रहा है, रॉकिंग पोजिशन पे है। हम सभी लीडर्स अपना बेस्ट कर रहे हैं और नो डाउट गोवा क्वालिफिकेशन का ये हमारा लास्ट मंथ है, तो सभी लीडर्स कमर कस रखी है सबने, और बहुत सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी आज हमें पता है कि किस तरीके के हालात पूरे भारत में है, लेकिन फिर भी हम उन हालातों को पीछे छोड़ के और अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करके, घर से रह के, और इस टेक्नोलॉजी को यूज करके, जूम को यूज करके, इन प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया को यूज करके आज हम अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और अलग अलग स्टेट्स तक हम पहुंच चुके हैं। और मैं अभी कल ही ये कह रहा था कि पहले हम जो मीटिंग्स किया करते थे, हम कुछ 100-150,000 लोगों की किया करते थे, लेकिन अब हम जो जूम सेशंस कर रहे हैं डेली, उसमें हम हजारों लोगों को टच कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हमें इस लॉकडाउन की भेंट है, कि क्योंकि कभी भी कुछ होता है हमारी लाइफ के अंदर तो वो जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर छोड़ के जाता है, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो हमारे लाइफ में यहाँ पे आया है, तो सेलिब्रेट इट। और अब हमें सबको पता है कि पता नहीं ये स्थितियां कब तक रहनी है, तो हमें इसी तरीके से बिजनेस बिल्डअप करना है। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको कुछ चीजें बता पाऊं जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है आज तक का, जो लास्ट 10 ईयर्स हमने नेटवर्क इंडस्ट्री में दिए हैं, उस 10 साल का जो निचोड़ है, कि कुछ ऐसा पॉजिटिव मैं आपको एक घंटे के अंदर देकर जाऊं जिससे कि आप अपने
बिजनेस के अंदर और तेजी से ग्रो कर पाए और ज्यादा आपके जो कन्वर्जन रेशियोज हैं वो ज्यादा बढ़ जाए। जहां अभी कई काफी लोगों को कुछ तकलीफ आती है, काफी लोग कहते हैं कि सर हम जितने नंबर ऑफ प्लान्स दिखाते हैं उस हिसाब से हमारे कन्वर्जन रेशियो कम है, अगर कोई कन्वर्ट कर भी जाता है तो कोई ऑब्लिगेशन में ज्वाइन करता है या कोई रिलेशनशिप में ज्वाइन करता है या किसी दबाव की वजह से ज्वाइन करता है, लेकिन काफी लोग उनमें से ऐसे होते हैं जो कुछ वॉल्यूम करते हैं नेक्स्ट मंथ से नहीं करते हैं, कुछ लोग वॉल्यूम करते ही नहीं है, कुछ लोग बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरीके से हमें अपना प्रेजेंटेशन देना चाहिए, क्या हमारा पैटर्न होना चाहिए, ऐसा हम क्या उनसे बात करें, किस क्या प्रोसेस होना चाहिए, हमारे दिमाग में क्या पिक्चर होनी चाहिए किसी से भी बात करते वक्त कि मेरे को उसे जब बिजनेस देना है तो मेरा ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, एटीट्यूड, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा चलने का तरीका कैसा होना चाहिए, क्योंकि इस चीजों के ऊपर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं और ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। ये पूरा एक, अगर मैं सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर मैं करेक्टर की बात करूं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एटीट्यूड अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हम इन सबको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं जो आपसे बात करूंगा, मेरा आज फोकस होगा कि हाउ टू शो अ प्लान, कि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमें प्रेजेंटेशन के अंदर किन चीजों का ध्यान रखना है, किन टॉपिक्स का ध्यान रखना है और उन टॉपिक्स को ध्यान रखते हुए हमें किस तरीके से सामने हमारे प्रोस्पेक्ट से बात करनी है। तो मुझे पता है कि आप सभी रेडी हैं जानने के लिए, समझने के लिए, तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा, जस्ट अ मिनट। ओके, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर, बिल्कुल दिख रही है। ओके बिल्कुल। चलिए, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग जब अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, आमतौर पे जब हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं किसी से भी बात करते हैं तो हम जाते ही एक हमारा कॉन्फिडेंस बोल लीजिए या फिर हमें लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत सही है और मैं इसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके सीधी सारी चीजें कर सकता हूँ, सारी चीजें बोल सकता हूँ। काफी लोग सीधा इंट्रोडक्शन भी इसी तरीके से देते हैं कि मैं मोदी केयर बिजनेस करता हूँ और मैं आपको मोदी केयर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपना कॉन्फिडेंस आपका 100% है, आपका फेथ अपने बिजनेस के ऊपर 100% है, लेकिन कुछ तरीके हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जिन पैटर्न्स को अगर हम अप्लाई करें तो जो हमारा कन्वर्जन रेशियो है वो 90% से ऊपर हो सकता है। मतलब अगर आप 10 लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो उसमें से 9 या 10 लोग भी आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं और वो अपना बिजनेस वॉल्यूम उसी तरीके से करेंगे जैसे आप उन्हें बताएंगे। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ा सा आज अपना दिमाग भी खुला रखिएगा और अगर आपके पास कोई डायरी पेन है तो जरूर नोट डाउन कीजिएगा पॉइंट्स जो आपको समझ में आए। कुछ लोग जो इसका स्क्रीनशॉट्स लेना चाहेंगे वो लेकर अपना प्रेजेंटेशन बनाइएगा, क्योंकि ये आपको आगे जाके हेल्प करेगा कि कैसे आपको बिजनेस को ग्रो करने में मदद आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि जब भी हम किसी को प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो वी हैव टू यूज द प्लस थ्योरी। अब ये प्लस थ्योरी क्या है? देखिए, किसी को प्लान दिखाना, प्रेजेंटेशन देना, मतलब हमारा मकसद क्या होता है कि मुझे इसे अपने बिजनेस में लाना है, इसकी मेरे को लाइफ चेंज करनी है, तो हमें एक आदमी प्लस करना है अपने साथ। तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए? वी हैव टू प्लस हिम विद अस। तो प्लस थ्योरी क्या है? प्लस थ्योरी को हम समझेंगे एक एक अल्फाबेट के थ्रू समझेंगे। तो जैसा कि आप PLUS प्लस को समझ रहे हैं तो सबसे पहले P को समझेंगे हम। P का मतलब क्या है? तो व्हाट P स्टैंड फॉर? तो ग्रेट लीडर्स हैव ग्रेट पेशेंस। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपकी जो प्रेजेंटेशन में या जो आपके एटीट्यूड के अंदर होनी चाहिए वो है पेशेंस।
अगर आपके साथ पेशेंस है, पेशेंस का मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूं तो धैर्य, धैर्य का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, जब भी आप किसी को कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहे हैं, जब भी आप किसी से अपने अपनी बात बोल रहे हैं, तो वो आपको पूरी तरीके से जांच रहा है, वो आपको पूरी तरीके से परख रहा है, वो आपका पेशेंस लेवल देख रहा है। यहाँ पे बहुत ही एक सुंदर कोट लिखा हुआ है जो कि मदर टेरेसा के द्वारा कहा गया था, विदाउट पेशेंस वी विल लर्न लेस इन लाइफ, वी विल सी लेस, वी विल फील लेस, वी विल हियर लेस, आयरोलॉजिकली रश एंड मोर यूजुअली मीन लेस। मतलब अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है तो हम बहुत सारी चीजों से अछूते रह सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ से निकल सकती हैं। तो पेशेंस इज द फर्स्ट की, धैर्य आपका पहला चाबी है आपकी तिजोरी की, आपकी सफलता की तिजोरी की। जब हम किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं, किसी को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, और वो जैसे ही हमें कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, तो मैंने बहुत से लीडर्स को देखा है, वो उनका जो कॉन्फिडेंस है या जो उनके अंदर ये कह सकते हैं अपने बिजनेस के प्रति जो फेथ है, वो फेथ इतना बड़ा खड़ा हो जाता है कि वो पेशेंस को छोड़ के और काउंटर अटैक करने लगते हैं। तो जो काउंटर अटैक करते हैं, जैसे हम उन्हें सीधा से जवाब देते, कोई कहता है कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तो हम उनको कहते हैं नहीं, हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल महंगे नहीं। तो जब हम काउंटर अटैक करते हैं तो हमारे सामने जो प्रोस्पेक्ट है वो अपने आप को शेल में लेने की कोशिश करता है, मतलब वो अपने आप को सेफ करने की कोशिश करता है, और वो उसको ये लगता है कि ये जो व्यक्ति है इसके अंदर पेशेंस की कमी है, ये मेरी बात को सुनना नहीं चाहता, ये अपनी बात को बोलना चाहता। तो द फर्स्ट की फॉर सक्सेस, सक्सेस मंत्र का पहला की है, अगर आप पी को समझे, सो दैट इज पेशेंस। So you should have patience. आपके अंदर patience होना चाहिए, ऐसा patience जो कि एक माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है। जब उसका बच्चा उसे परेशान करता है माँ को, तो माँ के जो मदर होती है उसमें बहुत patience होता है उनके अंदर अपने बच्चे को संभालने के लिए। तो हमारा business भी हमारे बच्चे की तरह, हमारे prospect भी हमारे बच्चे की तरह। तो हमें जिस prospect को हम business बता रहे हैं, और सबसे important thing जो मैंने सीखी है इस industry के अंदर, कि जब भी हम किसी को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए हम जा रहे हैं, उसने हमें इनवाइट नहीं किया, हमने उससे टाइम लिया। तो जब हम उसके पास जा रहे हैं, तो हमारा जो पोस्चर है, वो पोस्चर यकीनन बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पी स्टैंड फॉर पेशेंस। मुझे बहुत सारी चीजें कवर करनी है, तो मैं इस पर बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, पर आप समझते जाइएगा कि फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट इज पेशेंस। अगर हम सेकंड पॉइंट पे आए, व्हाट इज आवर सेकंड पॉइंट? यस सर, जस्ट अ मिनट, मुझे लगता है कि ये कुछ हैंग हो गया। Kindly give me 1 minute. Huh? Okay. There is some technical issue, I think so. Just a minute. Give me 1 minute. Now is it visible? Yes, sir. Okay. चलिए आगे चलते हैं L पे।
कई बार जब हम कुछ चीजें सीखना रखते हैं तो अक्सर चैलेंजेस आ जाते हैं, तो इट इज अ पार्ट ऑफ चैलेंज. सो द सेकंड पॉइंट इज एल. सो अ ग्रेट लीडर्स आर गुड लिसनर्स. जितने भी लीडर्स हैं, जितने महान लीडर्स हैं, अगर आप उनको सुनेंगे, अगर आप उनको उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं, जब भी हम किसी से बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले अच्छा बोलने वाला नहीं बनना, अच्छा सुनने वाला बनना है. हम जब किसी से बात कर रहे हैं, जब भी हम किसी के पास गए हैं, हम हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, तो जो शुरू के 10 से 15 मिनट का समय है, वो 15 मिनट का समय हमें हमारे प्रोस्पेक्ट को जानने में निकालना चाहिए. वो कौन है, वो क्या करता है, उसके उसकी डेली रूटीन क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसके घर में फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उसकी वाइफ क्या करती है, उसके फादर मदर क्या करते हैं, उसकी इनकम स्लैब क्या है, वो जॉब करता है या वो कोई अपनी दुकान चलाता है या वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसके हॉबीज क्या हैं. इन सब चीजों को जानने के लिए हमें पहला जो 15 मिनट का समय है वो हमें सुनने में गुजारना चाहिए, ना कि बोलने में. अक्सर हम गलती क्या करते हैं, जब हम जाते हैं तो हम शुरू करते ही अपनी मशीन गन चला देते हैं, हम उनको धड़ धड़ करके बोलने लगते हैं और हम अपनी उसकी बात सुने बिना हम अपनी बात बताना शुरू करते हैं. तो जितने भी बड़े लीडर्स जो आज एक बड़े लेवल पे पहुंचे हैं, उनसे अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, तो वो सभी, उनकी एक क्वालिटी आपको दिखाई देगी, वो ये है कि ग्रेट लीडर्स आर गुड लिसनर्स. जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जितने भी महान लीडर्स हैं, वो अच्छे सुनने वाले हैं. वो सामने वाले को सुनते हैं, समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, और विचार करने के बाद वो अपनी बात को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं. सो फर्स्ट, अगर हम समझे, फर्स्ट पॉइंट पी वॉज पेशेंस, एल इज अ लिसनर, थर्ड पॉइंट इज जब हम उनको सुन लेते हैं, जब हम उनको जान लेते हैं, उसके बाद हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड, हमें उनको समझना है. और उनको समझने के बाद हमें अपने आप में ये समझना है कि मुझे इनसे बात क्या करनी है. हो सकता है कि मैं इन्हें पैसा बताना चाहता हूं, लेकिन ये जिससे मैं बात करने आया हूं, इसकी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, मुझे इसे पैसे, ये पैसे से मोटिवेट नहीं होगा. हो सकता है कि मैं जिसके साथ बात करने आया हूं, मैं इसको टाइम फ्रीडम बताने आया हूं, लेकिन इसके पास टाइम है, जिसको टाइम फ्रीडम इसका गोल नहीं है. तो जब आप उसके बारे में सुन लेंगे, जब पेशेंटली आप बैठ के उसे सुनेंगे, उसे समझेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मुझे इनसे बात क्या करनी है. एंड फाइनली जब आपके पास उसका पूरा कंटेंट होगा, जब आपके पास उसके बारे में वो नॉलेज, वो जानकारी होगी, उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे, उसे वो सॉल्यूशन दे पाएंगे जो वो चाहता है. क्योंकि हो सकता है कि हम जिस चीज पे बात कर रहे हैं वो उसकी इच्छा हो ही नहीं, वो उसकी ड्रीम हो नहीं. हो सकता है हम उसे फॉरेन ट्रिप के बारे में पिच कर रहे हो, लेकिन उसे कंपनी की तरफ से, जिस जहां वो जॉब करता है उसकी तरफ से वो हर साल फॉरेन ट्रिप जाता हो. हो सकता है हम उसे सिक्योरिटी को के लिए बात कर रहे हो, लेकिन उसे लगता हो कि मुझे सिक्योरिटी मेरे लिए मायने नहीं रखती. तो ये चीजें जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड हैव पेशेंस. सेकेंड, हमें अच्छा लिसनर बनना है. थर्ड, हमें उसे अंडरस्टैंड करना है. फोर्थ, हमें उसे सॉल्यूशन देना है. तो जब आप उसे सॉल्यूशन देंगे तो वो आपकी बात को समझेगा, सुनेगा, और क्योंकि आपने उसे सुना है इसलिए वो भी आपको सुनेगा, समझेगा और आपकी बात पे विचार करेगा. सो दिस इज द प्लस थ्योरी, जिससे कि आप किसी को भी अपने बिजनेस के अंदर एंटर करा सकते हैं. लेकिन आमतौर पर लोगों की हालत, जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो बहुत से लोग इस तरीके से प्लान दिखाते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते, वो देखना ही नहीं चाहते, वो समझना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ बोलना चाहते हैं. हमें ऐसा नहीं बनना, हमें ऐसा नहीं बनना. हमें लोगों से बात करते वक्त उनसे सुनना भी है, उन्हें समझना भी है.
एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं वो है नीड जनरेशन। नीड जनरेशन होती क्या है? व्हाट इज नीड जनरेशन? जब आप किसी से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे इससे क्या बात करनी है, लेकिन उसके बाद जब आपने उसे समझ लिया, आपने उसके बारे में जान लिया, आपने उसको पहचान लिया, उसके बाद नीड जनरेशन क्या है? मुझे उसे क्या ऐसा विजन देना है, मुझे उसे ऐसी क्या जानकारी देनी है, क्या मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डली प्लान बताना चाहिए या सिर्फ मुझे डेमोंस्ट्रेशंस दिखाने चाहिए या मुझे सिर्फ उन्हें बिजनेस के बारे में या कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताना चाहिए। सो व्हाट इज नीड जनरेशन? अब आप जो पिक्चर देख रहे हैं, अगर इस तरीके की लेडी हमें मिलती है तो इस लेडी का भी ड्रीम हो सकता है कि ये भी एक ताज पहने, हाँ, ये प्रिंसेस की तरह दिखना चाहती है, लेकिन इसकी नीड जनरेशन करने के लिए हमें इसे समझना जरूरी है और समझने के बाद हमें अपने आप को समझाना जरूरी है कि मुझे अब इससे बात क्या करनी है। एक साइकिल दिख रही होगी आपको, नॉर्मली एक नॉर्मल साइकिल नहीं है ये, आमतौर पर जितनी साइकिल्स हमने देखी हैं उनकी बनावट से ये बहुत अलग है, उनके टायर गोल होते हैं, इसके टायर आपको स्क्वायर शेप में दिख रहे होंगे। तो मुझे लग रहा होगा और मैं समझ भी पा रहा हूँगा आप लोगों को कि आप सोच रहे होंगे ये कोई साइकिल नहीं है, इस तरीके की साइकिल बनती भी नहीं है, इस तरीके की साइकिल यूजफुल भी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या इस तरीके की साइकिल यूजफुल है, क्या ये कहीं काम आ सकती है? आप मैसेज बॉक्स में दे सकते हैं मुझे आंसर, या जैसे आलोक आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं नो ऐसी साइकिल काम की नहीं है, है ना? लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या ऐसी जिस चीज जो ये चीज हमारे पास है अभी हमें देखने में लग रही है ये हमारे कोई काम की नहीं, हाँ एग्जैक्टली, लेकिन इस तरीके की साइकिल का इन्वेंशन किया था एक मैथ्स के प्रोफेसर ने 1960 में, और ये की गई थी ऐसे हिली एरियाज के लिए जहां पे गोल टायर की साइकिल चलाना मुश्किल है, जहां पे सामान ले जाने के लिए मिलिट्री को बहुत परेशानी होती थी। उस समय इस तरीके के टायर्स का इन्वेंशन किया गया और इस कॉन्सेप्ट को उतारा गया और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट उन्हें हुआ, जहां पे उन्हें बहुत चढ़ाई पे चढ़ना पड़ता था वो इस तरीके के साधन को यूज करके, और वहां के न्यूज़पेपर्स में भी ये आया था। लेकिन हमें लगता है कि ये जरूरी नहीं है, हमें लगता है क्योंकि हमारे को इसकी नीड नहीं है, लेकिन जिन्हें इसकी नीड थी वो नीड क्रिएट की गई और इस तरीके की व्हीकल को चलाया गया। All about the wheels. आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, a square wheel tricycle would only be beneficial for extremely bumpy terrain. To ride smoothly, it would require a very special roadway. The square wheel trike can roll just as smoothly as a normal bicycle, assuming it travels over evenly spaced shapes. Those shapes, inverted catenaries. A catenary corresponds to the graph function called the hyperbolic cosine. Turning it upside down returns the inverted catenary necessary for a square wheel to roll. तो ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद ये है कि हम जो चीज देखते हैं जो हमें नहीं पता तो हमें लगता है ये यूजफुल नहीं है, लेकिन जब हम उसके बारे में समझते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए उस चीज का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमें ये समझना होगा नीड जनरेशन होता क्या और कैसे नीड जनरेशन किया जाता है। किसी से भी हम बात करें तो हाउ टू डू नीड जनरेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके सामने एक चीज क्लियर करनी है कि व्हाई इस इंडस्ट्री की जरूरत क्यों है, व्हाई वी नीड दिस इंडस्ट्री, व्हाई नेटवर्क इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री कितने समय से चल रही है। आज इस लॉकडाउन पीरियड में, इस कोविड सिचुएशन में, दो साल जो हमने पिछले एक साल और ये साल जो हम निकाल रहे हैं, हमने इस इंडस्ट्री को बहुत तेजी से ग्रो होते हुए देखा है, जहां बहुत सारे बिजनेसेस कोलैप्स हो रहे हैं,
बहुत सारे जॉब्स जा रहे हैं, बहुत सारी सैलरीज में कट ऑफ होने लगा है, वहां ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इसका मतलब कि इस इंडस्ट्री में कुछ होगा। तो इसका जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हमें समझना है और हमें सामने वाले को समझाना है। और उसे एक चीज जो समझानी है वो ये है, चेंज, बदलाव। अगर आप बदलाव करने के लिए तैयार हैं, अगर आप चेंज के लिए तैयार हैं, अगर आप अपने अंदर अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, तो नो डाउट सक्सेस आपके कदम चूमने वाली है। क्योंकि जितने भी आप अनसक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, आप अगर उनके डेली रूटीन को देखेंगे, अगर आप उनके उनकी बिहेवियर को देखेंगे, तो उनमें बहुत बड़ा बदलाव आपको कभी जीवन में नजर नहीं आएगा। वो जिस तरीके से पहले चलते थे वो उसी तरीके से चल रहे। लेकिन जहां हम सफलता की बात करते हैं, क्योंकि सबके पास समय बराबर है, वही 24 घंटे एक असफल व्यक्ति के पास है, वही 24 घंटे एक सफल व्यक्ति के पास है, लेकिन उन 24 घंटों को सफल व्यक्ति किस तरीके से यूटिलाइज करता है, दैट इज चेंज। कोई भी व्यक्ति बचपन से पैदा होकर सर्वगुण संपन्न नहीं होता, लेकिन हमें अपने अपने आप के अंदर बदलाव करते रहना है। और जब आप बदलाव करने के लिए तैयार होते हैं, लाइफ चेंजेस व्हेन वी आर रेडी टू चेंज, जिंदगी तभी बदलती है जब हम बदलाव करने के लिए तैयार होते हैं, व्हेन वी आर रेडी टू चेंज, जब हम बदलने के लिए तैयार होते हैं। जब तक हम अपने अंदर बदलाव करने को तैयार नहीं है, तब तक लाइफ कभी चेंज नहीं हो सकती। और ये 100% प्रूवन है कि जब तक हम अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी लाइफ को बदल नहीं सकते। अगेन, सक्सेस स्टार्ट्स विद अ सिंगल वर्ड, दैट इज चेंज। सफलता तभी स्टार्ट होती है जब आप अपने अंदर बदलाव करने को तैयार होते हैं, जब आप अपने अंदर इस शब्द को, बदलाव को अपने अंदर पॉजिटिव वे में लेकर आते हैं, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में लेकर आते हैं, तो लाइफ बदलना शुरू होती है। मैं आपको कुछ समय पहले लेकर चल रहा हूं और मैं आपको चेंज के बारे में बता रहा हूं कि चेंज करके किन लोगों ने अपने अंदर बदलाव किया, कहां तक बदलाव किया और किस तरीके से इस सोसाइटी के अंदर इन बदलावों के साथ आज ये चीजें बदल चुकी हैं। हमारे सामने एक फोटो है जिसमें लिखा है बार्टर सिस्टम। 18वीं और 19वीं सदी की अगर हम बात करें तो उस वक्त बार्टर सिस्टम चला करता था, मतलब प्रोडक्ट्स का लेन देन हुआ करता था। जिसके पास अनाज होता था वो अनाज देते, जिसके पास दाल होती थी उससे दाल लेता था, किसी के से चावल लेता था, केला देके आम लेता था, और इस तरीके से हमारा समाज में चीजें बार्टर सिस्टम के थ्रू चला करती थी। लेकिन उस समय लोगों को लगता था कि यही तरीका है जीवन को व्यतीत करने का। लेकिन एक समय आया जब वो बदलाव, चीजें बदल गई। राजा महाराजाओं का समय आया, अशर्फियां चलने लगी, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, ब्रॉन्ज के सिक्के, और ये सिक्के आने लगे। आदमी की जो हैसियत थी वो इन सिक्कों पे से आधारित होने लगी। जिसके पास चांदी के सिक्के थे उसकी एक अलग हैसियत होती थी, जिसके पास सोने के सिक्के थे, अशर्फियां थी, वो उनकी एक अलग हैसियत तैयार होने लगी, और फिर अशर्फियां चलने लगी। फिर एक बदलाव आया, जब हमारा देश आजाद हुआ तो इस तरीके के सिक्के आए, 1 पैसे का सिक्का, 5 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का, 20 पैसे का, 50 पैसे का। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने देखा है 1965 का ये सिक्का जो सामने देख रहे हैं। इस तरीके की करेंसी हमारी लाइफ के अंदर एंटर हुई, तो उस वक्त भी बदलाव हुआ। लोगों को लगा अब बदलाव नहीं होगा, अब चेंज नहीं होगा, लेकिन अगेन एक चेंज हुआ। सिक्के बदल के नोट में चेंज हो गए, जो 1 रुपए का सिक्का था वो 1 रुपए के नोट में बदल गया। अगेन चेंज हुआ, लोगों को लगा कि अब बदलाव नहीं होगा, लेकिन फिर चेंज हुआ, समय बदला, वो 1 रुपए का नोट बड़ा नोट हो गया, 100 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट हमारे पास आने लगा। सबको लगने लगा कि अब बदलाव नहीं होगा, अब जो चीजें हैं, अब 1000 रुपए से ऊपर का नोट नहीं आएगा, अब ये चीजें ऐसे ही चलेंगी। लेकिन प्रकृति बदलाव का नाम है, और जिसने बदलाव किया है, जिसने बदलाव को स्वीकार किया है, वो आज सभी सफल व्यक्तियों की श्रेणी में आ चुके हैं। लेकिन एकदम से सारी चीजें बदल गई, प्लास्टिक मनी हमारी लाइफ में आ गया।
नोट गायब हो गए, लोगों ने पैसा रखना बंद कर दिया और पर्स के अंदर प्लास्टिक मनी, जहां पे भी आप जाते हैं आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं और अपने कार्ड को स्वाइप करके आप जितना चाहें उतनी शॉपिंग कर सकते हैं, दिस इज चेंज। अब इस चेंज से क्या हुआ, इस चीज को समझिएगा। इस चेंज के बारे में आपने वीजा का नाम सुना होगा। वीजा के फाउंडर थे मिस्टर डी हॉक। डी हॉक ग्लोबली रैंक करते हैं 1312, मतलब 1312 उनकी ग्लोबली रैंक है। उनकी नेटवर्थ है $1.9 बिलियन। इस व्यक्ति ने एक चीज सोची कि क्यों ना इस नोट को चेंज कर दिया जाए और लोगों को सुविधा दे दी जाए कार्ड की, और उन्होंने इस चेंज को हमारी सोसाइटी में डाला और उस चेंज के कारण सब चीज बदल गई। लेकिन समझने की बात यह है कि इन्होंने वो विजन देखा और उस विजन को देख के चीजों को बदला और आज हम सब इस चीज के एडिक्ट हो गए। आप मेरे साथ रहिएगा, आपको समझ में आएगी जो मैं बात कहने जा रहा हूं। इसी तरीके से आपने सुना होगा नाम मास्टर कार्ड का, अजय पाल सिंह बांगा मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, जिनकी नेटवर्थ है 217 मिलियन। पद्मश्री अवार्डेड हैं 2016 में। अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्थ $129.63 बिलियन। कब आए थे, कब ये आइडिया इनके दिमाग में आया था, 1958 के अंदर। आप सोच के देखिए, हम जिस चीज मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं उसको समझिएगा कि अब तक हमने, हमारी सोच शायद वहां तक नहीं जा पा रही कि प्लास्टिक मनी सिर्फ एक सोच थी, एक विजन था कि नोट को चेंज करके प्लास्टिक मनी में कन्वर्ट किया जाए। और अगर आज हम इनके स्टैंडर्ड को देखें, जिन्होंने ये काम किया वो आज कहां स्टैंड करते हैं, आज ग्लोबली ये किस रैंक पे स्टैंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि हमें समझनी चाहिए। लेकिन अचानक एक चेंज और हुआ, कार्ड्स हट गए, ऑनलाइन ट्रांसफर होने लगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और बहुत सारे मनी ट्रांसफर करने वाले तरीके, हमारे यूपीआई हमारे सोसाइटी में आ गए। अब इस चेंज को देखिए, पेटीएम, विजय शंकर शर्मा जी फाउंडर ऑफ पेटीएम, अगर इनके बारे में जाने तो इन्होंने पेटीएम स्टार्ट किया था 2010 में, सिर्फ 10 साल पहले। और अगर इनकी नेटवर्थ को देखें तो वो है $2.7 बिलियन। सरप्राइजिंग। इसी तरीके से अगर हम देखें मिस्टर समीर निगम जी, जो कि फोन पे के ऑनर हैं, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फोन पे, सिंस 2015, आज से मात्र 5 साल पहले, नेटवर्थ $70 मिलियन। सुमित ग्वाली एंड सुजीत नारायण गूगल पे, सिंस 2015, नेटवर्थ $110 मिलियन। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन लोगों ने, ये वो चैंपियंस हैं, ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने अपने अंदर चेंज किया, उन्होंने उस चेंज से इस सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करी। आज आपको ये समझना जरूरी है कि जब हमें ये लगा कि अब नोट के बाद क्या आएगा, उस वक्त प्लास्टिक मनी आ गया। प्लास्टिक मनी जब आया तो लोगों ने कहा कि अब प्लास्टिक मनी के बाद कुछ नहीं आएगा, तो प्लास्टिक मनी गायब हो गया, फोन पे आ गया, पेटीएम आ गया। जो काम प्लास्टिक मनी ने 20 साल 25 साल 50 साल में किया था, वो काम 10 साल में होने लगा, 5 साल में होने लगा। आज इनकी नेटवर्थ हम देख रहे हैं तो ये उनसे आगे निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव एक्सेप्टेड द चेंज, उन्होंने इस बदलाव को स्वीकार किया। व्हाट्स मोर, और क्या हो सकता है? आपने सुना होगा पहले ग्रामाफोन चलता था, बहुत से लोग ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आजकल एंटीक में भी रखते हैं, एक राउंड सर्कल में एक तस्तरी जैसा आता था जो कि गाने प्ले करता था। कुछ समय बाद चेंज हुआ, ऑडियो कैसेट्स आए, रील वाले कैसेट्स आए, ऑडियो प्लेयर्स आए, टैप रिकॉर्डर्स आए, रेडियोस आए, रेडियो के ऊपर ऑल इंडिया रेडियो बजा करता था, वॉकमैन होता था, चेंज हुआ, हमारी सोसाइटी में चेंज हुआ।
कुछ VCPs, वीडियो कैसेट प्लेयर्स आए, VCRs आए, अगेन चेंज हुआ, एकदम से बदल गया, एकदम से चीजें गायब हो गई, एकदम से एक राउंड सी चीज आ गई जिसे हम CD प्लेयर कहने लगे। चेंज हुआ, हमने स्वीकार किया, अगेन चेंज हुआ, CDs गायब हो गई, पेन ड्राइव्स आ गई, मेमोरी कार्ड्स आ गए, जो कंटेंट हम CD में रखते थे वो कार्ड के अंदर आने लग गए, वो पेन ड्राइव में आने लगे, अगेन चेंज हुआ, सब चीजें गायब हो गई। आज आपको पेन ड्राइव की जरूरत नहीं है, मेमोरी कार्ड की जरूरत नहीं है, आपको मनचाहा गाना Gaana.com पे मिल सकता है, Spotify पे मिल सकता है, Amazon Music पे मिल सकता है, आपको मनचाही मूवी Netflix पे मिल सकती है, Amazon Prime पे मिल सकती है, Hotstar पे मिल सकती है, बहुत सारे और आजकल इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मूवी रन करके देते हैं। क्या ये बदलाव नहीं है? और अगर ये बदलाव है तो इस चीज को समझिएगा, और इसको जब आप समझेंगे देन यू विल बी शॉक्ड कि जेफ बेजोस, जो कि अब तक कुछ समय पहले तक दुनिया के नंबर वन व्यक्ति थे, फाउंडर ऑफ Amazon Prime, इन्होंने Amazon Prime Video स्टार्ट किया था 2016 में, और 2016 के बाद आज तक Amazon Prime Video से जो इनकी नेटवर्थ है वो है $104.44 million। मुझे नहीं पता कि आप कितना इसको समझ पा रहे होंगे, और इसको आप समझेंगे तो देखिए Netflix के ओनर CEO फाउंडर रेड हस्टिंग, जिनकी नेटवर्थ अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो वो है $250 million। इन्होंने स्टार्ट किया था 1997। हम को समझने की जरूरत ये है, और मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये कि इन्होंने एक सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम में आज ये जो पैसा कमा रहे हैं, जो चेंज इन्होंने किया है, उस चेंज का बहुत बड़ा क्रेडिट हम लोग हैं, वो नेटवर्क का पार्ट हम लोग हैं, जिस वजह से आज ये इतना बड़ी नेटवर्क जनरेट कर रहे हैं। मेरे पास बहुत, मुझे टाइम थोड़ा लिमिटेड है और मुझे बहुत सारी चीजें कवर करनी है, व्हाट्स मोर, और क्या हो सकता है, सोच के देखिए। इस तरीके की प्याऊ हमने बचपन में बहुत जगह देखी है, हमारे आसपास में बहुत जगह देखी है, बहुत सारे, हम जब स्कूल से निकलते थे तो ऐसी प्याऊ हुआ करती थी, लेकिन आपने देखा होगा ऐसे हैंडपंप हुआ करते थे गांव में, जब हम जाते थे तो ऐसे हैंडपंप हमने बहुत जगह देखे हैं जहां पे इसी तरीके से लोग पानी भरा करते थे, ऐसे नल हुआ करते थे जहां पे आप कहीं पे भी खड़े होके पानी पिया करते थे। लेकिन एक समय आया जब इन सब चीजों को टेक ओवर कर लिया गया इन बॉटल्स के थ्रू। बिस्लरी के जो ऑनर थे उन्होंने, आपने सबने ये स्टोरी सुनी होगी, जब उन्होंने पानी का प्लांट डालने की सोची और पानी मिनरल वाटर लाने की सोची, तो उस वक्त उनके प्रपोजल को बैंक मैनेजर के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था, और ये बोला गया था कि जिस देश में पानी, दूध 10 रुपए लीटर बिकता है, वहां तुम पानी 10 रुपए लीटर कैसे बेचोगे। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने विजन को नहीं छोड़ा, उस व्यक्ति ने अपने उस सोच को नहीं छोड़ा, वो ये काम करता गया, वो ट्राई करता गया, और आज आप देख रहे हैं बहुत सारी कंपनीज इस रेस में उतर चुकी हैं। आज गांव का एक व्यक्ति जो रेलवे स्टेशन पे उतरता है धोती कुर्ता पहना हुआ, वो दुकान पर जाता है और बिस्लरी की बॉटल या मिनरल वाटर की बॉटल खरीदता है। क्या ये चेंज है कि नहीं है? ये हमारी सोसाइटी के अंदर चेंज है। मैं पॉइंट पे आने वाला हूं, अभी आप हो सकता है कि चीजें समझ में आ रही हूं आपको। बदलाव हमारे सामने होते गए, बॉटल्स चेंज हुई, घर के अंदर नल हट गए, आरओज आ गए, वाटर फिल्टर्स आ गए, अगेन चेंज हुआ, फिल्टर्स हट गए, अल्कलाइन वाटर आ गया, पीएच बैलेंस्ड वाटर आ गया। अभी मुझे किसी ने बताया कि अल्कलाइन वाटर की जो मशीन है वो 1 लाख रुपए से ऊपर महंगी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को भी यूज कर रहे हैं। और अब एक और बदलाव आया, पानी काला हो गया, ब्लैक वाटर आ गया, जिसका पीएच बैलेंस 8% से ऊपर है, जिसकी पर बॉटल 1 लीटर 200 रुपए की है।
ये पानी वो है जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स पीते हैं, विराट कोहली पीते हैं और बहुत सारे फिल्म स्टार पीते हैं। तो ये क्या है, ये बदलाव है, ये हमारी सोसाइटी का बदलाव है। व्हाट्स मोर, आगे क्या, अब मैं थोड़ा तेज चलूंगा, इस तरीके के हाथ रिक्शा चला करते थे पहले, आपने देखे सुने होंगे, बहुत सी मूवीज में देखा होगा, 1960 1970 में, 1980 1990 के समय में इस तरीके के रिक्शा चलने लगे, जो कि आज भी हमारी सोसाइटी में चलते हैं, काफी जगह देखे जाते हैं। एक समय था जब इस तरीके के टेम्पो चलते थे, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस टेम्पो में बैठे हैं, मैं बैठा हूं, लेकिन उस समय ये ही एक साधन होता था जो एक एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जाने में यूज किया जाता था। 1990 से लेके लगभग 2000 तक ही चला, सन 2000 में वो गायब हो गया, अगेन चेंज हुआ, छोटे ऑटो रिक्शाज आ गए, थोड़े छोटे टैक्सीज आ गई, जो कि हमारी सोसाइटी में चलने लगी, और हमने उन बड़े बड़े टेम्पोज को हटा के ये ऑटो रिक्शा को यूज करना शुरू किया। सन 2010 में फिर चेंज हुआ, टैक्सीज चेंज हो गई, इन गाड़ियों में बदल गई, ये गाड़ियां आ गई हमारी सोसाइटी के अंदर, इस तरीके की टैक्सीज हमें दिखने लगी, चेन्नई मुंबई बेंगलोर पुणे दिल्ली ऐसी जगह पे इस तरीके की टैक्सी दिखने लगी। लेकिन एक चेंज हुआ, वो भी गायब हो गया, उबर ओला जैसी कैब्स आ गए। अब सोच के देखिएगा, जो पुरानी टैक्सीज थी उसका ओनर एक ओनर होता था, उस ओनर के पास एक टैक्सी होती थी या दो टैक्सी होती थी या पांच या दस टैक्सीज होती थी, लेकिन आज उबर ओला के पास ना जाने कितनी लाखों टैक्सीज हैं, जिनमें से एक भी उनकी खुद की नहीं है। दिस इज विजन एंड दिस इज चेंज, और इस चेंज को अगर आप समझने की कोशिश करें तो उबर के मालिक हैं टैरविश। टैरविश ने उबर को स्टार्ट किया था 2009 में। आज अगर उबर की नेटवर्थ आप देखेंगे, इट इज $100 बिलियन। ओला, भावेश अग्रवाल फाउंडर ऑफ ओला कैब्स, अगर इनकी नेटवर्थ को आप देखेंगे, इन्होंने स्टार्ट किया था 2010 में, इनकी नेटवर्थ है 44,000 करोड़। उस चेंज को आज नेटवर्क में डाला गया और हम वो नेटवर्क हैं जो उसे चला रहे हैं। और क्या, इस तरीके के ढाबे होते थे, रेस्टोरेंट्स होते थे, चेंज हो गया, जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, बदलाव हो गया सोसाइटी के अंदर, घर बैठे रेस्टोरेंट्स आ गए, घर बैठे डिशेज आने लग गई, घर बैठे हर वो चीज जो आप कभी फैमिली के साथ वीकेंड पे या महीने में एक बार या महीने में दो बार जाने की सोचते थे, आज हर रोज हमारे घर के अंदर रेस्टोरेंट्स आ गए हैं। अगर हम जोमेटो को समझने की कोशिश करें, दीपेंद्र गोयल इज द ऑनर ऑफ जोमेटो, और इन्होंने जोमेटो को स्टार्ट किया था 2008 में, आज इनकी नेटवर्थ है $5.4 बिलियन। स्विगी स्टार्ट करने वाले श्री हर्ष मजेता, और इन्होंने स्टार्ट किया था अगस्त 2014 में, इनकी नेटवर्थ है $5 बिलियन। और क्या, होटल्स को अगर हम समझें तो आज बहुत सारे आपको ऐसे एप्स मिलेंगे, ओयो एप्स, यात्रा, मेक माई ट्रिप। तो अगर मेक माई ट्रिप को हम समझें तो मेक माई ट्रिप के ऑनर दीपक कालरा जी की नेटवर्थ है $136 मिलियन। इन्होंने स्टार्ट किया था सन 2000 में, और सन 2013 में ओयो स्टार्ट किया गया था। रितेश अग्रवाल एक यंग डायनेमिक लड़का जो कि 50 रुपया जेब में लेकर निकला था, और बहुत ही कम समय में ही इज द यंगेस्ट बिलियनियर ऑफ इंडिया, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ओयो होटल्स, एंड इनकी नेटवर्थ है $1.1 बिलियन। सोच के देखिए, इस सिस्टम को बनाया इन्होंने, चेंज किया, और आज इस चेंज के जरिए कहाँ पहुंच चुके हैं। व्हाट्स मोर, वी आर स्मार्ट, हम स्मार्ट कस्टमर्स हैं, ये मैं अभी आपको प्रूव करूंगा। हम सभी स्मार्ट हैं, हम सब स्मार्ट रहना चाहते हैं, हम सब स्मार्ट तरीके से परचेज करना चाहते हैं। शॉप्स नियर बाय, कुछ समय पहले तक, आज से 10 से 15 साल पहले, इस तरीके की दुकानें हमारे पास में होती थी। हम स्मार्ट थे इसलिए इन दुकानों से सामान खरीदते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां जाते थे और कहते थे, भैया मेरा उधार खाता बना दे, मेरे हिसाब में लिख देना। वो आपको एमआरपी पे प्रोडक्ट देता था लेकिन हिसाब में लिख देता था, इसलिए हम स्मार्ट होने के कारण वहां पे जाया करते थे। एक चेंज हुआ, वो दुकानें बदली,
थोड़े से बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर, ऐसा स्टोर जिसके अंदर आप ट्रॉली लेकर जा सकते थे, उसमें कुछ लिमिटेड चीजें मिलती थी, वहां जाके आपको 5-7% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया जाता था। हम स्मार्ट थे इसलिए हमने डिपार्टमेंटल स्टोर को चूज करा, हम वहां जाने लगे, हम वहां पे परचेज करना हमने शुरू किया। एक चेंज अगेन हुआ, सुपरमार्केट आ गए, डिपार्टमेंटल स्टोर की के बजाय थोड़ा सा बड़ा मार्केट हमारी सोसाइटी के अंदर आ गया। ऐसा मार्केट हमारी सोसाइटी में आ गया जहां पे प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज बढ़ गई थी, जहां पे डिस्काउंट्स बढ़ गए थे, जहां पे बीच के मीडिएटर्स को हटा दिया गया था, जहां पे होलसेलर्स को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके प्रोडक्ट्स को लेना शुरू किया गया, और जो डिस्काउंट था वो 7-10% तक, 15% तक पहुंच गया। तो अगर इस तरीके का चेंज हुआ जिसका सोसाइटी में पहले लोगों ने बहिष्कार किया, बोला कि क्या अब सब्जी भी मॉल पे बिकेगी तो ठेले वालों का क्या होगा, लेकिन आज सब्जी भी मॉल पे बिकती है और हम सब जाते हैं, हम में से बहुत सारे लोग जाते हैं जो सब्जियां मॉल से लेकर आते हैं। दिस इज चेंज। अगेन एक बहुत बड़ा चेंज आया, शॉपिंग मॉल खुल गए और शॉपिंग मॉल के अंदर कपड़े से लेकर ग्रोसरी तक, वॉचेस और बहुत सारी चीजें, जूते, स्पोर्ट्स और सारी, लगभग सभी चीजें मिलने लगी। हमने इस चेंज को भी स्वीकार किया, हमारी सोसाइटी में ये चेंज बहुत तेजी से आया। अगेन एक बहुत बड़ा चेंज आया, ऑनलाइन शॉपिंग, Amazon, Flipkart, Alibaba, Home Shop, Jabong, Myntra, ऐसी बहुत सारी साइट्स आई जिन्होंने ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया। बीच के लोगों को हटा दिया गया, डिस्काउंट्स को बढ़ा दिया गया 20-25%, 30%। जब ये शुरू हुआ तो लोगों ने कहा इस तरीके से कौन शॉपिंग करेगा, इस तरीके से कब तक शॉपिंग करेगा, कोई बिना जूता पहने कैसे जूता खरीदेगा, कोई बिना कपड़ा छुए कैसे कपड़ा लेगा। लेकिन आज हम सब, बहुत सारे लोग दिवाली पे डिस्काउंट्स का इंतजार करते हैं, 15 अगस्त पे डिस्काउंट्स का इंतजार करते हैं, Amazon पे इंतजार करते हैं। और आज हम सब जानते हैं Flipkart को स्टार्ट किया था इन दो दोस्तों ने, दो भाइयों ने, मिस्टर सचिन बंसल, मिस्टर बिनी बंसल, Flipkart के ओनर हैं, जिसकी नेटवर्थ है $15.5 बिलियन। स्टार्ट किया गया था सन 2 अक्टूबर 2007 में। और Amazon को आप जानते ही हैं, जेफ बेजोन को आप जानते ही हैं, इन्होंने Amazon स्टार्ट किया था 5 जुलाई 1994 में। आज इनकी नेटवर्थ है $1.7 ट्रिलियन। मैं आपको इतना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आज हमने बदलाव नहीं किया अपने अंदर, आज जो सोसाइटी चेंज मांग रही है, अगर हमने वो नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। सो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या है, अब ऐसा क्या है जो आने वाली क्रांति है, अब ऐसा क्या है जो सब चीजें बदल के रख देगा, अब ऐसा क्या है जो हमारी लाइफस्टाइल को चेंज कर देगा, अब ऐसा क्या है। क्योंकि अब तक जो हमने देखा, जितने चेंज हमने देखे, उसमें आपको बहुत लिमिटेड लोग ऐसे मिले होंगे जो कि सक्सेसफुल हो रहे हैं, 2, 4, 5, 10 ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको दिखेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। लेकिन अब ऐसा क्या है, अब ऐसी क्या क्रांति आने वाली है, अब ऐसा क्या होने वाला है जो पूरी सोसाइटी को चेंज करके रख देगा, एक मीडियम क्लास लड़के को भी करोड़पति बनने की ताकत देगा, एक महिला को भी उसकी किचन से उठ के उसे भी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम, अपने सपनों को पूरा करने की आजादी देगा, एक जॉब करते हुए व्यक्ति को भी ऐसी पावर देगा कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। अब ऐसा क्या है, आइए नजर डालते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर क्या रिव्यूज हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स आप यहां देख रहे हैं। FICCI कहता है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग 64,500 करोड़ क्रॉस करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है, बिजनेस स्टैंडर्ड कह रहा है, बिजनेस वर्ल्ड कह रहा है, ये सारी न्यूज़पेपर की कटिंग्स जो आप देख रहे हैं, ये हमें एक इशारा दे रही हैं कि आने वाले 3-4 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग वो बूम करेगा जो हमने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा। अगर 64,500 करोड़ की ये का टर्नओवर क्रिएट होगा, ये मार्केट होगा 64,500 करोड़ का, तो सोच के देखिए आज जो लोग इसके अंदर एंटर करेंगे वो कहाँ पहुंचने वाले हैं, उन्हें कितना पैसा मिलने वाला है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन भी ये कह रहा है कि 25,000 करोड़ का मार्क ये लेने वाला है, और
21वीं सदी का सबसे बड़ा क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग होगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स इसको कवर कर रहे हैं। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो अराउंड 13 पिक्स इन फाइनेंशियल ईयर 19 सेज ठाकुर। ब्लोइंग डायरेक्ट सेलिंग सारी जगह आपको यही न्यूज मिलेगी कि 64,000 करोड़ क्रॉस करने वाली है डायरेक्ट सेलिंग। ना सिर्फ न्यूज़पेपर्स बल्कि अब बड़े बड़े गवर्नमेंट अधिकारी भी ये कह रहे हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि देश में के निर्माण में मिल रहा बढ़ावा, डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत। आज डायरेक्ट सेलिंग को हाईलाइट किया जा रहा है, आज डायरेक्ट सेलिंग को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है, आज डायरेक्ट सेलिंग को एजुकेशन के अंदर डाल दिया गया है, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को डिप्लोमा, उसके डिप्लोमा होने लग गए हैं, MBA की क्लासेस के अंदर पढ़ाने लग गए हैं। तो सोच के देखिए कितना बड़ा पोटेंशियल हमारे सामने है, कितनी बड़ी चीज हमारे सामने है जो हमको हमको देखनी पड़ेगी और हमारा विजन हमें वाइड करना होगा। जिस तरीके से उन सफल लोगों ने अपना विजन देखा, उन्होंने अलग तरीके से अपने आप को बड़ा किया, आज हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हम अपने आप को इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा कर सकते हैं। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मोदी गेयर। एंड मुझे बहुत प्राउड फील होता है ये कहते हुए कि इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है मोदी गेयर। हम ऐसी कंपनी के साथ हैं जो कि भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हाँ, मैं समीर सर को सत सत नमन करता हूं। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आज से 25 साल पहले ये विजन देखा था कि ये इंडस्ट्री पूरे भारत में एक दिन क्रांति लेकर आएगी। क्या कहते हैं ये, लुक इनटू योरसेल्फ एंड सी हु यू आर, मी और अस। इंडियाज फास्टेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ग्लोबली। समीर जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने मोदी केयर को स्टार्ट किया। ये मोदी ग्रुप के कर्ता धरता हैं। अभी आज मोदी ग्रुप परिचय का मोहताज नहीं है। मोदी ग्रुप अपने आप में एक ह्यूज ह्यूज एम्पायर है। करीब 85 इयर्स पुराना ये घराना है और आज डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ये लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को चेंज कर रहा है। और मुझे बहुत प्राउड है, मुझे बहुत फक्र है इस चीज का। कितने लोगों की जिंदगी चेंज हुई है, कितने लोगों ने अपने आप को यहाँ पे बदला है। अगर हम सब जानते हैं, लेकिन अगर हम नजर डालें तो ये वो इंडस्ट्री है, ये वो ताकत है जो एक हाउस वाइफ को, डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी आप सब जानते हैं, हम सब की ग्रैंड अपलाइन, रिचेस्ट लेडी नेटवर्कर, एवरेज पर मंथ इनकम अबाउ 1 crore 1 CR, क्या सोच सकते हैं, क्या कल्पना कर सकते हैं, इतना पैसा एक हाउस वाइफ कमा सकती है। अगर इन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो आज शायद ये हाउसवाइफ ही होती और शायद हम भी इस बिजनेस के अंदर नहीं होते, शायद हम भी इस इंडस्ट्री में नहीं होते और शायद हम भी इस लेवल पे इस लेवल को एंजॉय नहीं कर रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच सुरेखा मैम। प्रमोद आचार्य जी क्या करते थे, प्रमोद आचार्य जी बिजनेसमैन थे, छोटा मोटा बिजनेस करते थे, बहुत बड़ा लॉसेस के अंदर थे, बहुत ही चैलेंजिंग लाइफ जी रहे थे। आज से लगभग 17-18 साल पहले इन्होंने मोदी केयर में आने की का डिसाइड किया और आज एवरेज पर मंथ इनकम 40 lakh rupees, 40 लाख रुपए महीना। सोच के देखिए दोस्तों, एक एक जीरो व्यक्ति को उठा के आज ये इंडस्ट्री कहां लेकर पहुंच गई है, ये सोचने की जरूरत है हम सबको। मिस्टर फिलिप एंड मिसेस धमेंद्र सिंह इंजीनियर थे, ये अपनी इतनी जबरदस्त जॉब को छोड़ के इस इंडस्ट्री का विजन देखकर आए। आज सब कुछ है इनके पास, आज जबरदस्त बंगला है, आज जबरदस्त गाड़ियां हैं, आज हर साल फॉरेन ट्रिप जाते हैं, आज अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एंड आवर महागुरु मिक्खा सिंह ऑफ मोदी केयर, मिसेस कनिका बजाज एंड तरुण बजाज जी, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, बिजनेसमैन थे, अपनी एक दुकान चलाते थे, एक किराना स्टोर चलाते थे।
आज से 7-8 साल 9 साल पहले इस बिजनेस के अंदर आए, आज 20 लाख रुपए से ऊपर इनकम जनरेट करते हैं मंथली। अभी इन्होंने एक बंगला खरीदा है 6 करोड़ रुपए का बंगला, जिसे देखने के बाद मुझे समझ में आया कि बंगला होता क्या है, घर होता क्या है। जब उसमें अंदर एंटर किया तो लगा कि एक 5-स्टार होटल के अंदर एंटर किया है। आज कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं, क्या इन्हें देख के लगता नहीं है कि जो एक एक और इनके बारे में एक चीज और है कि अभी तक इन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया था। तो एक अंडर ग्रेजुएट लड़का आज अगर 20 लाख रुपए से ऊपर इनकम जनरेट कर सकता है, ये इंडस्ट्री वो पावर देती है, तो सोच के देखिए क्या ये हमारे लिए नहीं है। मिस्टर वीवी पांडे जी एक टीचर थे, पहले अपने फादर के पास एक कपड़े की दुकान पे उनकी दुकान संभाला करते थे, उसके बाद टीचिंग प्रोफेशन के अंदर गए, इंस्टीट्यूट चलाते थे और फिर सब कुछ छोड़ के इस इंडस्ट्री के अंदर आए और आज एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आज मर्सिडीज जैसी गाड़ी चला रहे हैं, आज अपनी एक आलीशान बंगले में रह रहे हैं। मिस्टर मनोज मलिक जी मैकेनिकल इंजीनियर, जब एक इंजीनियर को यह समझ में आ सकता है, एक मैकेनिकल इंजीनियर को समझ में आ सकता है कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इसका पोटेंशियल कितना बड़ा है, आज इनकी इनकी टीम के अंदर इतने लोग कामयाब हैं, आज शायद 15-16 लाख रुपए से ऊपर पर मंथ इनकी इनकम है। अभी इन्होंने BMW गाड़ी ली है, मोदी केयर से इन्हें कार फंड में मिली है, हर साल फॉरेन ट्रिप जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो जब इतने एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी और एक अंडर ग्रेजुएट व्यक्ति भी इस बिजनेस को कर रहा है, एक हाउसवाइफ भी इस व्यक्ति को कर रही है, इस बिजनेस को कर रही है, एक टीचर भी इस बिजनेस को कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। मिस्टर संतोष सेट्टी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पहली बार किसी ने अगर पोर्शे गाड़ी ली है, 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी, ये भी मोदी केयर के अंदर है, अभी लगभग 18-19 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। और अगर इनके बारे में जाने तो ये जब इस बिजनेस में नहीं थे तो एक बैंक के अंदर छोटा सा जॉब किया करते थे, बैंकर थे, तो क्या जॉब से पोर्शे गाड़ी आ सकती थी? सोच के देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको सोचने में मजबूर कर देंगे। मिस्टर अल्पेश गज्जर जी बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े कर्जे में थे, करोड़ों रुपए का कर्जा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था बिजनेस क्या करें कैसे करें, मोदी केयर के साथ आए, आज पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है, सारा कर्जा उतर चुका है, आज एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आज जगवार जैसी गाड़ी चलाते हैं और अपनी फैमिली के साथ एक शानदार लाइफ लीड कर रहे हैं। आलोक मुदगल जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब में थे, जहां लोगों का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना, जिस एज में वो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं उस एज में इस लड़के ने अपनी जॉब छोड़ दी और जब इस बिजनेस के अंदर आए थे तो एक छोटा सा एक सेकंड हैंड एक्टिवा इनके पास था, एक घर के अंदर सेकंड हैंड मारुति कार इनके पास थी और अभी ये ओन करते हैं एक 70 लाख की वॉल्वो कार। आज लगभग 1 करोड़ का बंगला बना चुके हैं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले चुके हैं, अपनी जॉब से VRS ले चुके हैं। ये फाइनेंशियल फ्रीडम देता है ये बिजनेस दोस्तों। मिस्टर मनीष त्रिपाठी जी ये भी बिजनेसमैन थे, अपना बिजनेस किया करते थे, आज से 6-7 साल पहले इन्होंने मोदी कर बिजनेस स्टार्ट किया, आज अपनी एक जगवार एक गाड़ी चला रहे हैं, लग्जरी गाड़ी को एंजॉय कर रहे हैं। मुनीष चोपड़ा जी, बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास, आज ये भी अपनी जगवार चला रहे हैं। मिस्टर नरेंद्र खोरानिया जी, मीनाक्षी खोरानिया जी जिम ट्रेनर थे, जब मैं पहली बार इनसे मिला तो इनके पास एक TVS सुजुकी बाइक थी जिसको देखकर शायद उसके ऊपर कोई बैठता नहीं होगा, ये बोलते थे कि मुझे तो सिर्फ बाइक ही पसंद है, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी, मेरा विजन नहीं है इतना बड़ा। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आए, इन्होंने इस बिजनेस को समझा, इस बिजनेस के सिस्टम को समझा, इस बिजनेस को फॉलो करना स्टार्ट किया, आज ये ओन करते हैं मर्सिडीज GLC जो कि लगभग 70 लाख की कार है। एक सिंपल से कपल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है ये बिजनेस। जगत नारायण जी प्राइवेट जॉब किया करते थे, बाइक पे चला करते थे, 40,000 रुपए सैलरी होती थी,
आज BMW चलाते हैं, आज अपना अपना फ्लैट ले चुके हैं, आज लाखों की इनकम एंजॉय कर रहे हैं। अक्षय दत्ता एक स्टूडेंट, लोग कहते हैं स्टूडेंट की कोई सुनता नहीं है, स्टूडेंट की कोई सुनता नहीं है, एक स्टूडेंट लड़की इस बिजनेस को कर गई, आज लाखों रुपया कमा रही है, आज अपनी सपनों की कार चला रही है, जगवार चला रही है, अपने पेरेंट्स को इसने इन्होंने एक फ्लैट लेकर गिफ्ट किया है, आज अपने हस्बैंड को बहुत सारी लग्जरीज दे रही है। तो आप अगर इसका पूरा पैकेज समझने की कोशिश करेंगे तो एक स्टूडेंट भी इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल है, एक प्राइवेट जॉब वाला भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, एक जिम ट्रेनर भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, एक हाउसवाइफ भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। हर वो व्यक्ति, निशा गुप्ता अभी एक अपनी ऑडी चला रही है, ऑडी A4, ये भी जयपुर से है, मिसेज अनीता वर्मा एंड मिस्टर कपिल वर्मा, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। मैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं वकालत किया करता था और मेरी वाइफ हाउसवाइफ थी। हमारी स्टोरी आप जानते हैं कैसे एक बाइक से शुरुआत करी थी, लेकिन इस बाइक से शुरुआत करने के बाद इन 6 से 7 साल के पीरियड के अंदर आज अगर 4 गाड़ियां मोदी केयर से क्वालिफाई कर चुके हैं और आज ये करीब 80 लाख की गाड़ी चला रहे हैं, तो दोस्तों क्या आपको लगता नहीं है कि सपने पूरे हो रहे हैं? और वो समय आ गया है, वो क्रांति का समय आ गया है, आज वो परफेक्ट टाइम है, आज वो टाइम है जब आप बिजनेस को, आप इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे और आने वाले 2 से 3 साल में आप भी कह रहे होंगे मेरे पास मेरी मर्सिडीज है, मेरे पास मेरी जगुआर है, मेरे पास मेरी वो सपनों की गाड़ी है जो मैं चाहता हूं। और वो समय दूर नहीं जब आप अपना पर्सनल चार्टर प्लेन यहां से लेंगे दोस्तों, बिलीव मी वो दिन आने वाला है, वो समय आने वाला है, इंतजार मत कीजिए, इस इंडस्ट्री का पार्ट बनिए, इस क्रांति का पार्ट बनिए और अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बदल लीजिए। और जिन्होंने जो अभी भी सोचेंगे उनका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उन्हें और अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता, लेकिन मैं उन्हें ये जरूर कहूंगा कि दोस्तों अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी जगह बेस्ट हूं, मैं मेरे काम में बेस्ट हूं, मैं मेरी जॉब में बेस्ट हूं, मैं अपने दुकान चला के बेस्ट हूं, मैं अपना छोटा मोटा काम धंधा करके बेस्ट हूं, तो जिन्होंने जो बेस्ट थे ना दोस्तों, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, और जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया आज वो कहाँ है आप सोचिए। कोडेक कैमरा दुनिया का नंबर 1 कैमरा था, लेकिन इसने कहा मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा, फोटो तो रील से ही खींचेगी, कार्ड से नहीं चलेगी, खत्म हो गया कोडेक, कोई नहीं जानता कोडेक को। नोकिया मोबाइल एक टाइम था जब 99% लोगों की जेबों में नोकिया मोबाइल होता था, लेकिन जब समय आया अपने आप को अपग्रेड करने का, जब समय आया एंड्रॉइड पे जाने का, जब समय आया अपने अंदर चेंज करने का, इसने बोला मैं दुनिया का नंबर 1 मोबाइल मैं नहीं करूंगा, मैं MS सिस्टम पे चलूंगा, खत्म हो गया जीरो जीरोक्स, एक टाइम की नंबर 1 फोटो कॉपी मशीन हुआ करती थी, खत्म हो गई, आज हम बोलते हैं जीरोक्स कर दो भैया, लेकिन जीरोक्स अपने आप में फोटो कॉपी मशीन होती थी जिसका नाम था जीरोक्स, खत्म हो गई। ब्लैकबेरी कहते थे कि जो प्रीमियम लोग होते हैं, जो क्वालिटी पीपल होते हैं, उनकी जेब में ब्लैकबेरी होता है, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, खत्म हो गया, जीरो हो गया। याहू अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, खत्म हो गया, जीरो हो गया। राजदूत शान की सवारी, जान की सवारी, क्या इनकी इसकी गाड़ी मजबूत नहीं थी, क्या बाइक ये कमजोर थी, क्या इसकी मजबूती में कोई कमी थी? नहीं, इसने अपने डिजाइन को अपग्रेड नहीं किया, इसने अपने अंदर चेंज नहीं किया, और जब चेंज नहीं किया तो जीरो हो गया। एम्बेसडर गाड़ी जिसके पास होती थी बोलते थे देखो राजा जा रहा है, किंग, जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे उन सबके पास एम्बेसडर गाड़ियां होती थी, लेकिन आज खत्म हो गई, मार्केट से हट चुकी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। HMT वॉचेज, जिसने HMT की घड़ी होती थी, जिसके हाथ में, उसे बोलते थे ये बहुत रईस व्यक्ति है, जिसकी शादी में HMT की घड़ी मिलती थी, कहते थे अरे भाई इसके शादी में HMT की घड़ी दिए, आज इसने अपने आप को बदला नहीं दोस्तों, खत्म हो गया, डिजिटल नहीं आया, खत्म हो गया।
अपग्रेडेशन करना, चेंज करना पार्ट ऑफ लाइफ है, अपने आप को चेंज करते रहना, और ये बदलाव का समय है। अगर आज आपने अपने आप को बदलाव नहीं किया, आज आपने डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझा, आज आपने मोदी केयर को नहीं समझा, आज आपने भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई कंपनी को नहीं समझा, आज आपके पास जो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहा है उस व्यक्ति को नहीं समझा, तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, कहीं ना कहीं आप भी इनकी तरह से, सॉरी टू से कहना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन पीछे रह जाएंगे। अपने अंदर बदलाव कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। वी नीड यू फॉर चेंजिंग योर लाइफ। हम आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं, इसलिए हमें आपकी जरूरत है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना साथ देना है, खुद का साथ देना है। इट इज टाइम टू चेंज। ये समय है बदलाव का, और अगर आज भी आपने बदलाव स्वीकार नहीं किया, आज भी अगर आप उसी चीज पे चलते रहे कि मैं तो वहीं से पास की परचून की दुकान से सामान लाऊंगा, मैं तो एक्स मॉल पे जाऊंगा, बिग बाजार जाऊंगा या रिलायंस जाऊंगा, मैं तो वहीं से वो लाऊंगा, लाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी कुछ हैबिट्स बदल के, अपनी कुछ चीजें बदल के, अपना कुछ थोड़ी सी आदतों को बदल के अगर करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है, तो घाटे का सौदा नहीं है दोस्तों, घाटे का सौदा नहीं है। मैं आपको इन स्लाइड्स से यही समझाना चाहता था कि जब आप इस तरीके से पूरे विजन के साथ किसी से बात करते हैं, जब आप इस पूरे अपने विश्वास के साथ, अपने अपनी पोस्चर के साथ, पेशेंस के साथ किसी से बात करते हैं, तो कोई कोई इस धरती पे ऐसा नहीं है जो आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। आप उसे करेक्ट इंफॉर्मेशन दीजिए, आप उसे करेक्ट जानकारी दीजिए। जब आप उसे करेक्ट जानकारी देंगे, तो वो आपके बिजनेस में भी आएगा, वो आपके, हम करते क्या है, हम किसी को ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन करने के बाद उसे अगर उसने परचेज कर लिया तो उसे बिल्कुल छोड़ देते, अगर उसने परचेज नहीं किया तो 25 तारीख को फोन करते हैं, अरे इस बार आपने लॉयल्टी नहीं करी, 30 तारीख को फोन करते हैं, अरे आपका लेवल रह गया, दोस्तों ऐसा ना करिए, उसका उसका पूरा आप गोल डिसाइड कीजिए, उसका रोड मैप तैयार कीजिए और उसे प्रॉपर विजन दिखाइए कि ये इंडस्ट्री आपको क्या दे सकती है, ये इंडस्ट्री अगर इतने लोगों की जिंदगी बदल रही है, ये इंडस्ट्री अगर एक स्टूडेंट को जगवार खरीदने की ताकत देती है, अगर एक गवर्नमेंट जॉब वाले को वॉल्वो खरीदने की ताकत देती है, अगर एक हाउसवाइफ को भारत की सबसे रईस नेटवर्कर बनने की ताकत देती है, तो ये आपको भी दे सकती है। सिर्फ अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है, सिर्फ थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है, और देखिए ये पूरा जहान आपका होगा। ये शानो शौकत, ये टाइम फ्रीडम, फैमिली से प्यार, बॉन्डिंग, टीम से प्यार, हर चीज आपकी होगी, हर चीज आपकी होगी। और मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब सक्सेसफुल हों और आप सब अपने अपने सपनों को पूरा करें और उस मकाम तक पहुंचे जहां तक आप सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट आलोक जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और आपकी अपनी प्रेजेंटेशन के बाद आप हमेशा सबको स्पीचलेस कर देते हैं कि अब करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। लेकिन जबरदस्त सर हमेशा की तरह, और आपको सुनना इज ऑलवेज अ ट्रीट, और बहुत कुछ सीखने को जो मिलता है, और जिस चेंज की बात आपने यहाँ पे करी कि कितना इम्पोर्टेंट है। और मुझे तो ये लगता है सर, ये प्रकृति भी हमें 2 साल से चेंज का मैसेज ही दे रही है कि चेंज कीजिए अपने आप को, अपने काम करने के तरीके को चेंज कीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी आपदा कब आ जाए, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा इनकम सोर्स है, अगर हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग का जरिया है, अगर हमारे पास मोदी केयर है, और अगर हमारे पास ऐसी लीडरशिप है, तो हम किसी भी परिस्थिति में सर्वाइव कर जाएंगे, किसी भी परिस्थिति में हमेशा राइज ही करेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। तो आई रियली होप सर कि आज सबने अपनी नॉलेज में बहुत कुछ प्लस किया होगा, और अब सब अपने नेटवर्क और अपने बिजनेस को बहुत प्लस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल टाइम एंड एक्सिलेंट नॉलेज। एंड वी आर सो लकी सर, वी आर सो लकी कि आप हमारे साथ हैं और आप हमारे मेंटर हैं,
और हम आपसे मिल सकते हैं, आपको सुन सकते हैं, और लिटरली जो चीजें आप करते हैं, जितनी तैयारी आप करते हैं, जो चीज हमारे लिए निकाल के आप लेके आते हैं, जितना टाइम आप देते हैं, क्योंकि लोगों को देखने में लगता है कि प्रेजेंटेशन बन गई है, लेकिन इसके पीछे जो टाइम लगता है, जो मेहनत लगती है, जो दिमाग लगता है, जो सोच लगती है, वो बहुत मेहनत लगती है उसके पीछे, कहने का मतलब ये है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इस जबरदस्त प्रेजेंटेशन के लिए। और लीडर्स, जरूर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ आपने नॉलेज ली होगी, इस नॉलेज को दिमाग में रोक के रख लीजिए, इसको दिमाग में फ्रीज कर दीजिए, और जब भी आप प्लान दिखाएं, जब भी आप घर से निकले, जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात करें, हमेशा ध्यान रखें कि मुझे प्लस करना है, मुझे प्लस करना है। और मैं कितना बड़ा विजन बताने जा रहा हूँ, कितनी बड़ी इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहा हूँ, सामने वाला चाहे कुछ भी कहे इस बिजनेस के बारे में, लेकिन आपको पता है कि इस बिजनेस ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, और आज कपिल सर ने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सब जीरो से हीरो बने इस बिजनेस में आके विद इन फ्यू ईयर्स, और आप भी बन सकते हैं अगर आप चेंज करने को तैयार हैं, अगर आप अपने आप को बदलने को तैयार हैं, अगर आप अपने आप को अपग्रेड करने को तैयार हैं। और लिटरली सर इतना कुछ ये देख के लगता है कि कितना जबरदस्त बिजनेस है, शायद अभी हम उस पोटेंशियल से नहीं कर रहे इस बिजनेस को, शायद हम उतने एफर्ट से नहीं कर रहे जितना ये बिजनेस हमको दे सकता है। सो थैंक यू सर वंस अगेन, एंड लीडर्स थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग, और जब भी हमारी नेक्स्ट मीटिंग का मैसेज आए YouTube पे प्रमोट कीजिए, बिकॉज YouTube पर हम कितने भी लोगों को उस पर प्रेजेंटेशन अटेंड करवा सकते हैं, Zoom पर 100 की लिमिट है, लेकिन उसको हमारे YouTube लिंक को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए। जल्द मिलेंगे एक और जबरदस्त धमाकेदार सेशन के साथ, और आज के लिए मैं ही कहूंगा कि थैंक यू सो मच कपिल सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड वैल्यूएबल नॉलेज, और हम आपको बार बार तकलीफ देते रहेंगे और आपसे बहुत कुछ सीखते रहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, एंड थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स फॉर ज्वाइनिंग दिस Zoom मीटिंग।